Assalamu alaikum, dear students, welcome to my new lecture, continuation lecture number 2. So if you remember in our previous lecture, we have already talked about the different type of blood cells, like plasma, red blood cell, white blood cell, and platelets. So as we know that plasma is a pale yellow colored liquid component of a blood that holds the cellular elements of a blood in suspension. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे जितने भी पिछले लेक्चर थे तो उसमें मैंने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी. तो प्लाज्मा, अब प्लाज्मा क्या है? इन सिंपल वर्ड्स मंगदा वेले सुचियरा प्लाज्मा जमु सरयो पेल येलो कलर लिक्विड दे. वी कैन जस्टिफाई इट, इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर ऑन माय स्क्रीन, ठीक है, दिस इज क्लियर, ओके, द तस्त क्लियर कारी, दिस इज प्लाज्मा. लक पबोल ब्लड की चिकअप दे जमु सरा 55% प्लाज्मा द 45% ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जमू सरा येलोविश कलर्स की रहजी, लिक्विड फॉर्म की रहजी. द जमू सरा द ब्लड यो अहम कंपोनेंट थे चिदे द सेलुलर एलिमेंट्स कम रेड ब्लड सेल दी डब्ल्यू बी सी दी प्लेटलेट्स तीनों दा दी निवली भी द बिल्कुल द सस्पेंशन पर शक्ल की लगा पर सस्पेंशन की चिकम दे जमू सरा सभी पार्टिकल्स भी ठीक तक है ना और लिक्विड भी नो द पार्टिकल बिल्कुल पर सस्पेंडेड पोजीशन के पर आता है. दगशान पदे प्लाज्मा की भी तसुगुर है ना, यू कैन सी द पार्टिकल्स, दिस इज क्लियर, तस तखेमा दगुर है ना, देखिए तस तो बिल्कुल खकारी है ना द पार्टिकल तस तखकारी नो दा जमु सर बिल्कुल पदे बे प्लाज्मा ची कम दे दे एक्चुअली द फॉर्म एलिमेंट्स ची कम दे द न्यूवेली, ठीक था जी. अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा में वाटर इसमें 91.5% है, ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन 7% है, ठीक है, और अदर सेलूट जो है 1.5% है. सो दिस इज द परसेंटेज विच इज शोड बाय स्पेशली द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट इज वाटर, प्रोटीन, अदर सेलूट्स. वाटर दीपकी, प्रोटीन दीपकी, अदर सल्यूट्स दीपकी. दगा सी प्रोटीन ची कम दें पर 7% प्रोटीन की बिया एल्बुमिन दी, ग्लोबुलिन दी, फेब्रिनोजिन दी. सो ऑल ये सारे जो हैं इसको मैं सिंपलर प्रोटीन भी कहूँगा, ठीक है ना. एल्बुमिन जो है ये सिंपल प्रोटीन में आता है. मैं डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बायो केमिस्ट्री, मंगा फिजियालॉजी बांधी लगी आई. इलेक्ट्रोलाइट्स ची कम दी, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स और इसके अलावा सल्फेट्स. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि प्लाज्मा एज अ होल जो है आपके जो ब्लड सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट एंड 55% इसमें वाटर जो है 91.5% है, प्रोटीन 7% है, और जो अदर सल्यूट्स है, अदर सल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके अलावा इसमें गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स है, और वेस्ट प्रोडक्ट है. संजी मैं प्रीवियस लेक्चर की था उस तो वी लू शेयर जमू सरा द फॉर्म एलिमेंट्स की कम दे मानी मैं मूँग रूस तो खबर ही कहूँ जियरा दागे फिजियोलॉजी बारे में मूँगा खबर ही कहूँ और दागे डिटेल में मूँग रूस तो वायु जो कम जमूँ अपकमिंग लेक्चर. इलेक्ट्रोलाइट्स जमू सरा आइंस की दिशी ठीक तक है ना, लाइक सोडियम शो, पोटाशियम शो, कैल्शियम शो, मैग्नीशियम शो, ठीक था. दगा शान पर गैसेस के जमू सर ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे, रदेन अलावा नाइट्रोजन दे, द गैसेस. न्यूट्रिएंट्स के जमू सर ग्लूकोज दी, अमीनो एसिड्स दी, और रदेन अलावा फैटी एसिड्स दी. पर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया द यूरिक एसिड दी, अमोनिया द क्रिएटिनिन दी. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस प्लाज्मा के अंदर जो है ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है दे आर प्रेजेंट एन एबंडेंट क्वांटिटी.
electrolytes are those substances or those species which can be dissociate into their respective ions. ठीक है जी, तो इसमें electrolytes आ गए, gases हैं, nutrients हैं, waste product हैं. नो द टोटल चीज सुम रेडी द दम सरा द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द प्लाज्मा कार सरी पर प्लाज्मा की जमुन सरा वाटर चिकम दे इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे सुमर दी पकी 91.5% सुमर दी 91.5% वाटर चिकम दे पर प्लाज्मा की रदे कार सरे दे इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीज दी हीट. गुर पर वाटर की जमुन सरा मुख्तलिफ वाटर चिकम दे इज अ व्हीकल कार कही इज अ मीडियम कार कही दे द वाटर पर जरिए बांधे ट्रांसपोर्टेशन की हीट रिलीज की और नूर चिकम कॉन्ट्रेट सी लागे एब्जॉर्प्शन की. एल्बुमिन चिकम दे जमुन सरा सिंपल प्रोटीन दे प्लाज्मा की और द एल्बुमिन चिकम दे दे जमुन द बॉडी चिकम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आगामेंट ऑस्मोटिक बैलेंस दे मेंटेन सेट. ठीक था द दिन अलावा ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन चिकम दे दा हम जमुन सरा यो प्रोटीन दे ग्लोबुलिन हम जमुन सरा यो प्रोटीन दे दा ग्लोबुलिन पर प्लाज्मा की ददे कारदारे ची दे जमुन सरा डिपेंड्स कई प्रोटेक्शन वर कई जे ब्लड तक कम टॉक्सिन रजी कम माइक्रोब रजी नो दे दागे खिलाफ डिपेंड्स कई प्रोटेक्शन वर कई फिब्रिनोजेन जमुन सरा पर प्लाज्मा की ब्लड क्लॉटिंग कई वीना खुदाना ख्वास्ता लेट सपोज एब द ब्लड बिकम फेल टू क्लॉट का ब्लड क्लॉटिंग जमु सर फेल शिनो पे ब्रेनोजीन दगलते अहम किरदार अदा कर ब्लड क्लॉटिंग न की गई वीना न जम की गई. इलेक्ट्रोलाइटिक आइंस जमु सर पी एच बफरिंग कई पावर ऑफ हाइड्रोजन आइन कॉन्सेंट्रेशन यानी पी एच ची कम दे फिजियोलॉजिकल पी एच मेंटेन्स आती द हग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थी चिस्ता पप्लाज्मा की मौजूद दीवता दागे भी एक्टिविटी का. द उगोरिता सो ऑस्मोटिक बैलेंस सो खबर मा वकड़ा द ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब दारे जी चिजमु सरा मख्य बे लेक्चर राजी हाइपरटोनिसिटी हाइपोटोनिसिटी औ जदेन अलावा पागे बनी मु खबर ही कहू असल की द ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब दारे जितल तजमु सरा ऑस्मो रेगुलेशन की ऑस्मो रेगुलेशन चाहे तमंग एक्टिव रेगुलेशन वायु और अगर जमुन सरा जमंग द बॉडी चिकम फ्लूविड दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्लूविड यानी द होमोस्टेसिस जमंग द बॉडी चिकम मतलब होमोस्टेसिस दे. ठीक था क्या ना नो अगर मेंटेन्स है दी. ठीक था क्या ना ऑस्मोसिस जमंग द बॉडी चिकम फ्लूविड दे नो द अगर फ्लूविड बैलेंस होम मेंटेन्स है दी. ठीक था कचेरी जमू सरा द फ्लूड डिर या डाइल्यूट शी या कॉन्सनट्रेटेड शी. ठीक द ददे पर मेंटेनेंस की ददे यो अहम किरदार का देना पस मुंगर आजू रेड ब्लड सेल ला आरबीसी रेड ब्लड सेल दे आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल दे आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. शेप आरबीसी का सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड. यू नो द एम एच ए वर रेड ब्लड सेल दे आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स. चिकम जम सर एम एच ए वर रेड ब्लड सेल दिया गया था मंगा एरिथ्रोसाइट्स होता वायू एरिथ्रोसाइट्स होता वायू दे द स्ट्रक्चर शेप तासु तखकारी का ना दा गोरा दे संग शेप ते सर्कुलर और बाई कॉन्केव बाई वही दूता
एंड कॉन्केव बिल्कुल यू कैन सी चगा मतलब दनन बिल्कुल हालो ही हालो फ्रॉम इनसाइड नॉन न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पकी नवी साइज रेड ब्लड सेल का इसका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है थिकनेस इसका 2.5 माइक्रोमीटर होता है व्हाई द यू कैन से द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट इज रेड द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट The hemoglobin, the vagina. Hemoglobin, the vagina, RBC, chikam de la musara, red in color. Thik da? Hemoglobin, chikam de. So it work as a carrier of oxygen. The oxygen ki di kai. Di bani mumak ki detail wa yu. Normally count jo red blood cell ka jo normal count hai, wo adult male mein 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल पर माइक्रोलीटर पर हिसाब सरा पर एडल्ट मेल की 5.4 मिलियन यानी 1 million 10 lakhs के बराबर तो इसका मतलब है कि 50.4 लैक्स और बीसी जो है पर माइक्रोलीटर के हिसाब से जो है एक इंसानी जिस्म में मौजूद होता है फॉर एग्जांपल तो 100 माइक्रोलीटर ब्लड वाले हर सुमृति वाले पाए कि बस उम्र आरबीसी रहती दगा शान पर फीमेल की 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर वो जदा दम रीजन दा दे कि जमुंग सरा पर फीमेल की चूंकि जमुंग सरा मुख्तलिफ दागे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल चागा आयरन लॉस का ही दागे द बॉडी ने आयरन लॉस दी दागे द वजन दागे आरबीसी कर ली लाइफ स्पेन 120 डेज हैं ठीक है दौरान या इसका 120 मतलब है कि 120 डेज बाद जो हैं जो ओल्ड रेड ब्लड सेल है दे आर डिस्ट्रॉइंग एंड दे आर देन दे आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन द स्प्लीन ठीक है जी 120 दिन बाद चिकम दे ओल्ड रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय शी नो नूर जूल शी और द प्रोसेस ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट की है एरिथ्रोपायासिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपायासिस कल चीज हम सरा आरबीसी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन की प्रोडक्शन की गई तम का एरिथ्रोपायासिस हुई पर एडल्ट्स की द आरबीसी प्रोडक्शन रेड ब्लड सेल द रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स की कम लॉन्ग बोन्स दी ठीक था क्या ना नो द रेड बोन मैरो मैरो असल की कैविटी तवेले की हिप बोन शो ब्रेस्ट बोन शो रिब्स बोन शो द बतासु उगो रही सर पे कही स्टडी पे कही ठीक द हेप बोन चढ़ते रहे ब्रेस्ट बोन चढ़ते रहे रिब्स चढ़ते रही नो अलतर दे प्रोडक्शन की पर एडल्ट की चाइल्ड अप टू 5 ईयर जो मासूम दे दागा पिंजर का ले उम्र दे ठीक था यार 5 ने लग सेवा दे नो दागा जी सुमर बोन्स दी ऑलमोस्ट बोन मेरो ऑफ द ऑल द बोन्स दागा जी सुमर बोन दागे मतलब पर बोन मेरो की असे मंगा वही चेहरा हेमाटोजेनेसिस ब्लड फॉर्मेशन पर बोन मेरो की पर फीटस की फीटस फीटस की कमजे की फीटस की पर लीवर की या पर स्प्लीन की ठीक ना अच्छा फीटस मतलब चिकला दादा बर्थ नहीं शड़े है ना नो मुंगे तो फीटस वायु नो दा पर लीवर की गई या पर स्प्लीन की गई कल चमु सरा द आरबीसी नंबरिंग सेवा की गई दे कंडीशन तमंग सवायु पॉलीसाइथीमिया वेन एवर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल बिकेम इंक्रीज एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया And simple word, polycythemia is also called hematocrit. You can say abnormal, abnormal, yeah, in simple words, you can say hematological disorder. Polycythemia is, this is the type of hematological disorder in which there is increased the number of red blood cells. Acha, second, hamare paas jo hai erythropenia hai.
एरिथ्रोपीनिया में देर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं ठीक है इसका कम होना शुरू होता है। एरिथ्रोपीनिया की नमूसरा रेड ब्लड सेल कम पैदा कीगी, पर पॉलीसाइथीमिया की नमूसरा आरबीसी रेड ब्लड सेल ज्यादा पैदा की। क्लियर था? सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? सिंपल, रेड ब्लड सेल का काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। द ऑक्सीजन द लंग्स ना टिश्यूज से उड़ी दगाशान दे ट्रांसपोर्ट का ही कार्बन डाइऑक्साइड द टिश्यूज ना लंग्स था, चूंकि पर लंग्स के जमुसरा अलविलाई दी और अलविलाई चिकम दे आगे की जमुसरा मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चिकम दे, ठीक था अलविलाई चिकम दे आगे जमुसरा हल्ता ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन खपाई अबंडेंट क्वान्टिटी की भी द ऑक्सीजन चिकम दे लंग्स की चिकम ऑक्सीजन पैदा की नागर जमुसरा टिश्यूज तजी और दे अलावा चिकम कार्बन डाइऑक्साइड दे नो दा ट्रांसफर की गई ट्रिक्सोला द टिश्यूज ना लंग्स का। ओके, नॉर्मली एक जनरल नॉलेज में आपके साथ शेयर करूँगा कि नॉर्मल जो ब्लड हैं इसमें तकरीबन 13 से लेके 15 ग्राम हेमोग्लोबिन दे आर प्रेजेंट, कि एक नॉर्मल ब्लड में 13-15 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड मौजूद होता है। कचेरी मंगा 100 ml ब्लड रावालू नो 100 ml ब्लड की वजह मुसरा नॉर्मल चिकम ब्लड दिए कि यानी द 13 न वाला और द 15 ग्राम हेमोग्लोबिन चिकम दे दा वजह मुसरा और सुमर की मौजूद भी 100 ml ब्लड यानी 100 cc की। क्लियर था क्या ना दस ओवरऑल ब्लड खबर है न को, ठीक था दगशान वन रेड ब्लड सेल कंटेन एक रेड ब्लड सेल इट कंटेन अबाउट 250 million मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। द खबर याद साथ है वन रेड ब्लड सेल चिकम दे पागे की जमुन सरा तकरीबन 250 million हेमोग्लोबिन 250 million मॉलिक्यूल दी रहे हेमोग्लोबिन। अब मंगा सीधा सी वही कहने हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड इट वर्क इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। सो इस कहने का मकसद ये है कि आपका वन आरबीसी जो है इसमें 250 million हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होता है। क्लियर है? हर मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इट कैरी 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ 4 oxygen मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो इस कहने का मकसद ये है कि हेमोग्लोबिन जो है ये 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको ले जा सकता है। यू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यू हेमोग्लोबिन चिकम दे दमूसरा सकई दमूसरा 4 oxygen मॉलिक्यूल्स उड़ी नो दुब सुमर उड़ी दुब दमूसरा अतम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन सलूर बस उड़ी नो 4 4 16 नो 16 मॉलिक्यूल उड़ी। क्लियर था? अच्छा दिन अपस मुंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर चिकन देगा वाइट सिल्वर।